चैनपुर प्रखंड मुख्यालय में प्रस्तावित 50 बेड का अनुमंडल अस्पताल की जमीन को लेकर जमीन मालिकों एवं ग्रामीणों के साथ आम सभा की गई, जिसमें सभी लोगों के साथ बैठक कर अस्पताल के लिए जमीन देने पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने सर्वसहमति से चैनपुर में अनुमंडल अस्पताल बनाए के लिए जमीन देने का निर्णय लिया। वही जमीन मालिकों ने अपनी जमीन देने के एवज में जमींदाता को सरकार की तरफ से एक सदस्य को नौकरी तथा मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा। मौके पर उपस्थित चैनपुर मुखिया शोभा देवी एवं थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि हमारे चैनपुर के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है, जो यहाँ अनुमंडल स्तरीय अस्पताल बनने जा रहा है। इस अस्पताल के बनने से मुख्यालय क्षेत्र सहित जारी एवं जारी तथा डुमरी प्रखंड क्षेत्र के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी, वही इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस मौके पर मुख्य रूप से ग्राम प्रधान नारायण बैगा, जिला परिषद सदस्य मेरी लकड़ा, रामपुर मुखिया दीपक टोपो, नवीन कुजूर, वाल्टर कुजूर, पात्रिक कुजूर, हेमलता कुजूर, भारती देवी सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।